हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेने की तैयारी। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई रिक्तियां, प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक के लिए निकलेगी वैकेंसी। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य। आचार संहिता लागू होने से पहले जारी होगा विज्ञापन। नए रिक्तियों के साथ तैयारी 2 की बची रिक्तियों को किया जाएगा शामिल। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का इसलिए बदला गया था फैसला। तैयारी 3 में एक साथ निकलेगी अब फ्रेश वैकेंसी। बीपीएससी को फरवरी दूसरे सप्ताह तक भेजी जाएगी रिक्तियां। लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फेज बहाली पूरा करने का लक्ष्य। पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में होनी थी फेज 3 की परीक्षा। जैसे कि रजनीश कुमार के द्वारा ये बताया गया है दोस्तों, एकदम ऑथेंटिक न्यूज है। जैसे कि अब आपका एग्जाम तैयारी 3 मार्च में ही होगा। अब आप समझ सकते हैं कि यह स्टेट का एग्जाम कब होगा, तो आप समझ सकते हैं लास्ट फरवरी में या मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है। इसलिए आप जो भी यह स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी को बहुत ही तेजी कर दें, क्योंकि फरवरी में ही परीक्षा हो सकता है यह स्टेट का। तभी तो तैयारी 3 का एग्जाम मार्च में होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा तो कर नहीं सकता। जो भी यह स्टेट फॉर्म भरे हुए हैं, 100% आशा है कि पहले यह स्टेट हो जाए तैयारी 3 के पहले। फॉर्म भले अपेयरिंग में भरवा ले, वो आपके आगे नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। बट अब आपके पास एक और सुनहरा मौका मिला है दोस्तों। जो भी इस तैयारी 2 में नहीं हो पाए थे, तो दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ फिर से लग जाइए। फिर से आपके पास एक मौका आने वाला है बहुत बड़ी, और इसी मौके का लाभ आपको उठाना है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग बिहार पटना के तहत ये 29 तारीख को आज निकला हुआ है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा। ठीक है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 and 11, 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में कहा गया है कि उपयुक्त विषयक आप अवगत है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार में लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि तैयारी 1 एवं तैयारी 27/2023 यानी कि तैयारी 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण यानी तैयारी 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत हैं कि तैयारी 1 एवं तैयारी 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय की शिक्षकों की संख्या लगभग 20-25 हजार के आसपास है। ऐसी स्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त करने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्ति 2 दिनों के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो तैयारी 1 और 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पद के पत्र के साथ 1, 2, 3 एवं 4 के साथ 2 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसे अति आवश्यक समझा जाए। यानी कि दोस्तों, आपके फरवरी के 10 तारीख तक पूरा चीजें डाटा मंगवा लिया जाएगा और आपका विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। और अब आपको एक और सुनहरा मौका मिला है। जैसा कि यह स्टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम फरवरी में ही, लास्ट फरवरी या
मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और होली के पहले पहले आपका TRE 3 भी हो जाएगा BPSC का। तो दोनों एग्जाम में आप लग जाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जैसा कि अब आपके पास फिर से आपका 50,000 वैकेंसी आपके पास आने वाला है, 50,000 फ्रेश वाला, ठीक है दोस्तों, 50,000 जो है वो फ्रेश वाला वैकेंसी आएगा, ठीक है। अब प्लस जो 14,000 आपका कुछ जितने हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो नहीं हुए हैं, पूरा इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था वो लोग हैं, और दोस्तों जो छठे हुए हैं वो लोग हैं, एंड 20-25,000 नियोजित शिक्षक हैं, यानी कि 50, 60, 70, 80, 90 यानी 1,00,000 की लगभग वैकेंसी फिर से आने वाली है। तो दोस्तों अब फिर से आपको एक सुनहरा मौका मिला है, इस मौके को मत गवाइए, फिर से आप पूरे शिद्दत के साथ लग जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय।